नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। और आपको बता दें, अभी कुछ महीनों पहले एक बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था। गोली की नोक पर एक व्यापारी को, नगेंद्र चौधरी जिनका नाम था, उन्हें उठाया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं उनके परिवार वाले हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं सेक्टर 30 में, बात करेंगे उनसे। जी, उनकी सिस्टर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है, मैं नगेंद्र से बड़ी हूँ। हाँ जी, मेरा जो भाई है उसका 30/5 को अपहरण हुआ था, उसी दिन मर्डर हो गया था। और बंदा मेरे भाई की बॉडी को नैनीताल डाल देता है, पर्चा दर्ज हो जाता है, पुलिस मतलब छानबीन करती है, ढूंढती है। उसके बाद 4 तारीख डेड बॉडी तो काफ़ी दिन बाद मिली थी। हाँ जी, 4/6 को डेड बॉडी मिली थी। उसमें बाद में पुलिस ने एक आरोपी पंकज को 22/6 को अरेस्ट किया था, जो उसकी पुलिस रिमांड लिया गया 11 दिन का। फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में उसे भेज दिया गया। उसके बाद उसके भाई को अरेस्ट किया गया था, जिसको बाद में पुलिस ने डिस्चार्ज करा दिया गया। इसमें जो वारदात में स्कॉर्पियो गाड़ी जो यूज़ हुई है, जो रेकी करी है 2 दिन पहले, मर्डर से पहले 2-3 दिन रेकी होती है, उसके बाद वही गाड़ी स्कॉर्पियो मेरे भाई के गांव में आती है और वो गांव से पीछा करती करती मौका वारदात पे आती है। वहां से वो बंदा उतरता है उस स्कॉर्पियो से और इस वारदात को अंजाम देता है। और पुलिस चलाई थी, फायरिंग करी थी, ड्राइवर उतर के भागा था। हाँ जी, हाँ जी, यही सब हुआ था। उसके बाद पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में जो ये गाड़ी स्कॉर्पियो है उसका कहीं जिक्र नहीं करती, उसको क्लीन चिट दे देती है। एक आरोपी जिस गाड़ी को मतलब यूज़ कर रहा है, वारदात में यूज़ कर रहा है, और यही गाड़ी मौका वारदात से फॉर्चूनर जो गाड़ी है उसको मतलब उसका पीछा करती करती नैनीताल तक उसको फॉलो करते हैं। और ये तो उस टाइम पे भी था, सबको बताया भी गया था स्कॉर्पियो गाड़ी से वो आए थे, और जिसने गवाही दी थी उसने भी यही कहा था कि स्कॉर्पियो गाड़ी पीछा कर रही थी। अब देख लो जी, अब उसमें इनकी चार्जशीट में उसका जिक्र नहीं है, दिखा दिया मिकी मौका वारदात में प्रयुक्त थार। अब थार कहाँ से आ गई? जो स्कॉर्पियो में जो चालक है उसके साथ, जो प्रवीण है और उसके साथ जो भी आरोपी है, किसी का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पंकज का था, जो पंकज ने कह दिया वही बात मान ली इन्होंने। हमें तो ये भी है जी, इनका कोई रिमांड वांड भी नहीं लिया गया बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो बयान था, बयान में उस टाइम पे तो स्कॉर्पियो लिखाई गई थी, तो वो थार कैसे होगी? इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी स्कॉर्पियो का जिक्र नहीं है, उसको साफ क्लीन चिट दे दी गई। उसमें जो और आरोपी थे उनको पुलिस ने, जांच अधिकारी ने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन इसमें जो मौका वारदात में वो गाड़ी थार दिखा देती है, और इसी जो ये गाड़ी है स्कॉर्पियो, उसमें जब आरोपी पंकज आता है तो वो वारदात के बाद अपने फ़ोन गलती से स्कॉर्पियो में छोड़ देता है। पुलिस के संज्ञान में आईओ और जो SHO थे इसमें, उनको पता है भाई इसमें वो छोटा जानबूझ के हमने उसके वो फ़ोन भी जो है ना, उसने वो डिटेल्स में सारी उसने डिलीट कर रखी है और वो छोड़ दी उसने, और मतलब कॉल डिटेल सारा फोन फॉर्मेट कर। हाँ, और पुलिस बता रही है कि इसने 30 तारीख को वापस जो स्कॉर्पियो चालक प्रवीण था उसको दे दिए, और 23 तारीख को उससे वापस ले रही है फोन, आरोपी के फोन, सह चालक सह आरोपी उसको दे दिए हैं, और 23 तारीख को उसको ले रही है वापस। मतलब जब आरोपी के फोन गाड़ी में रह गए थे स्कॉर्पियो में, तो पुलिस को तुरंत वो कब्जे में लेने तुरंत लेने चाहिए थे। उसके बाद पुलिस दोबारा उसी आरोपी को, जिसका पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए पुलिस खुद कह रही है कि हम इसको निकाल नहीं रहे, इसका पॉलीग्राफी कराएंगे, फिर उसको फोन वापस, उसी को फोन वापस दे रही है। एक जो ट्रॉली बैग मिला है जिसमें हथियार थे, अब वो जो मालखाना कराया वो किसने कराया उसका जिक्र नहीं है पुलिस ने। और इसी स्कॉर्पियो से SHO साहब जो सेठी मलिक है, सेक्टर CIA जो इंचार्ज थे, उन्होंने हमें चाकू भरा बैग दिखाया गया जो पुलिस के संज्ञान में था, लेकिन इस बैग का कहीं भी मतलब पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में जिक्र नहीं। डेड बॉडी पे भी चाकुओं से ही हमले किए गए थे। काफी लीपा पोती कर रही है, इन सारा बेरा था, सब लीपा पोती पुलिस का हाथ है इसमें। वारदात वाले दिन 7:30-8 बजे बीटी होती है, वारदात हुई है 10:30 बजे और 7:30-8 बजे बीटी हो रही है जी। एक बंदा यहाँ पे आता है और गन पॉइंट पे उसको मर्डर करके उसको उठा के ले जाता है। दिन दहाड़े हुआ था, दिन दहाड़े 11:30-12 बजे का शायद, 10:30-11 बजे घटना होती है, और वो 4 स्टेट क्रॉस करके नैनीताल पहुंच जाता है। और पुलिस प्रशासन ऐसे सोरी है, कहीं कोई मतलब कहीं उन्होंने एक विटी नहीं करी, कहीं उसको रोका नहीं, इतने नाके पड़े होंगे, इतने टोल पड़े होंगे, कहीं भी ये गाजियाबाद काले बदर पर काले बॉर्डर 4 स्टेट बंदा पता नहीं कैसे पहुंच गया, जबकि ये तो जब अपहरण हुआ था उसके बाद ही ये मामला सामने आ गया। जब भी कोई इस तरह की वारदात होती है सबसे पहले वाले साइड पे एक वीटी छोड़ी जाती है कि भाई इस गाड़ी को राउंड अप करो, लेकिन इस तरह की कहीं कोई वीटी नहीं थी।
मैं खुद पुलिस प्रशासन में हूँ, अपने भाई को ढूंढने में मुझे पता है कि हमने कितने दिन रात कर दिए, अगर हम नहीं होते तो ये भाई भी नहीं मिलता हमारा, डेफिनेटली मुझे पता। हमारा जो प्रशासन है उस वक्त जो है ना, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, बट अभी जो नए सीपी साहब आए हैं राकेश आर्या जी, उन्होंने जो है ना हमारी बात सुनी और उन्हीं की वजह से आज स्टेट क्राइम में हमारा केस आया है, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा। आज क्या बात हुई आपकी? हमारा जी, हमने उनको जो प्रूफ दिखाए वो सारे प्रूफ दिखाए हैं, जो हमारे पास जो फुटेज हैं, गांव की फुटेज हैं, नैनीताल की फुटेज हैं और फरीदाबाद की फुटेज है, मौका वारदात की फुटेज हैं, और जो वो आरोपी एक्सेप्ट कर रहा है कस्टडी में कि हाँ जी मेरे से जो है ना मैं साथ में था रेकी में, मैंने 3 दिन रेकी करी है, वो सब एक्सेप्ट कर रहा है, उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। जो सह आरोपी प्रवीण है स्कॉर्पियो वाला, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है कि उसमें कहीं भी, बस दिखा दिया कि उससे फोन बरामद हुए। तीन चार दिन वो जो है 3-4 दिन पहले से ही वो सेक्टर 46 में एक होटल में रुका है, उन्होंने ना वहाँ की चाय वगैरह का भी था कि चाय पिलाई ली है, जिसमें बेहोशी की कुछ थी, ऐसा भी उस टाइम पे बोला गया था। बंसी ड्राइवर पंकज को भी जानता था और पंकज ही आया और पंकज ने मेरा बेटा, और फिर भी बंसी ने कह रहा मुझे, मैंने पूछी बंसी कौन था, 5-6 आदमी थे, पता नहीं और कौन था, 5-6 आदमी मेरे मतलब जिसे 3 साल से मतलब 3-4 साल से बंसी और ये पंकज साथ में मेरे बेटा का ड्राइवर साथ में रहते थे, काम इधर उधर मतलब करते थे, तो भी मना कर गया, बंसी को छुटा के ले गए हैं। इनका कहने का मतलब ये कि जो स्कॉर्पियो मतलब जो बंसी जो हमारा जो ड्राइवर है मेरे भाई का, उसने आरोपी को पहचानने से मना कर दिया हमारे सामने, तो वो उसको जब 3 साल से उसको जानता था, उसने कोई मास्क नहीं लगाया मौका वारदात पे, उसने कोई मतलब अपना फेस को कवर नहीं कर रखा, तो उसने उसको पहचानने से मना क्यों कर दिया, वह हमसे क्यों झूठ बोला गया? और मेरे भाई को जाना कहीं और था, सेक्टर 15 वो वहाँ क्यों पहुँचा, ये भी अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, ये जाँच का विषय है। अभी जो SHO साहब हैं नए, वो काफ़ी सपोर्टिंग है, वो अभी इस चीज़ की हमने जैसे इनकी डिटेल्स मांगी थी, CDR जो भी हैं, जो साथ में जो स्कॉर्पियो चालक है प्रवीण है, तो अभी हमें उसका जिक्र ही नहीं होता, उसके को हमें कोई CDR दिखाई गई है कि किसकी उसी न किसी फोन की डिटेल्स है, न कहीं से कोई डंप उठाया गया है, और जो अन्य मुलजिम है जो संदिग्ध है न उनसे रिकवर किया जा रहा है, न उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट किया जा रहा है। हमने बिल्कुल प्रशासन ने ढीला छोड़ दिया गया, खाली एक आदमी पे मुकदमा थोप दिया गया है, बाकियों को बाहर ऐसे ही घूमने के लिए अन्य क्राइम करने के लिए छोड़ दिया गया। हमने तो जो है ना जहाँ पर जिस स्पॉट पे वो रेकी कर रहे हैं, जहाँ वो 4-5 घंटे रुक रहे हैं, मैंने खुद उनको लोकेशन भेजी है, मैंने कहा ये लोकेशन है, आप यहाँ आके यहाँ के डंप उठाओ और यहाँ पर आप जो है पूछो, वहाँ पर भी नहीं गए वो। मैन तो है, लेकिन मैन को सपोर्ट करने वाले सहयोग सहज जो आरोपी है उनको पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही, उनको पुलिस ने निकाल दिया, वो क्यों निकाला ये अभी जांच का विषय है, वो भी कर रहे हैं। और नहीं था कोई उसको कोई एक व्यक्ति किडनैप कर ले जाए और उसको एक व्यक्ति कोई मार दे, इतना कमजोर नहीं था वो कि उसको एक कोई व्यक्ति उठा ले जाता है और उसको मार देता है। एक आदमी या तो गोली मार सकता है या चाकू मार सकता है, गाड़ी चला सकता है, उसपे बार बार चाकू से वार किए गए हैं और गोली भी मारी गई है। एक आदमी ने सब काम नहीं किए, ये एक आदमी किडनैप भी कर लेगा, गाड़ी भी चला लेगा और उसको 3 स्टेट दूर लेके भी चला दे, 4 स्टेट दूर भी लेके चलाएगा, ये कोई सत्य नहीं है। प्रशासन ने हर चीज को गुमराह कर दिया गया है, हर सबूत को मिटा दिया गया है पुलिस ने। अब जो अधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के हमारे साथ न्याय करें, इस मीडिया से रिक्वेस्ट है उन अधिकारियों तक इस मैसेज को पहुंचाए, जो हमें न्याय मिल जाए, उस नरेंद्र भाई की आत्मा को शांति मिल जाए, मीडिया से हमारी हाथ जोड़कर यही विनती है। जी सर, क्या बस मैं जो ही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं परिवार है न्याय के लिए काफी दिन से भटक रहे हैं और आज भी इसी उम्मीद में यहाँ मिलेगा बेटी नहीं मिलेगा, हम आगे तक हम पूरा हड्डी बिक जाए हमारे पर, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, अपने बेटे का न्याय दिला के हटेंगे। हमारे पास साक्ष्य है हमारे पास, चाहे हमें उसके लिए कहीं भी जाना पड़े, है ना, सब चीजें हमारे पास है, तो हमारे इनको दिखाएंगे, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है और देखो जो है ना अब आगे देखो कैसे काम करते हैं, तो हमें इनसे बहुत उम्मीद है क्योंकि नए अब जो अफसर आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो अब देखते हैं जी करें।
करेंगे सारा काम करेंगे। तो काफ़ी महीनों से न्याय के लिए भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं जो नए सीपी साहब हैं उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इन्हें न्याय दिया जाएगा और इनके भाई को न्याय मिलेगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।